हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? जब बच्चे मैथ में नंबर सीख रहे होते हैं, हमें बहुत जल्दी होती है कि हम बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग के साथ साथ बैकवर्ड काउंटिंग भी सिखा दें। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि बच्चे जब 1 to 10 सीख रहे हैं, 1 to 50 सीख रहे हैं, तब आपको बैकवर्ड काउंटिंग नहीं सिखानी है। और कब सिखानी है, कैसे सिखानी है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आया तो जरूर लाइक एंड आगे शेयर करें, सो दैट दूसरे पेरेंट्स जिनके बच्चे किंडरगार्टन में होम स्कूलिंग कर रहे हैं या फिर ये कोविड की वजह से जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको जरूर हेल्प मिले। चैनल पे फोनिक रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत डिटेल में विथ फ्री फॉर डाउनलोड वर्कशीट भी आपको अवेलेबल है, तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। इवन दूसरे पेरेंट्स को भी इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। जरूर विजिट करें www.splendidmoms.co.in फॉर फ्री वर्कशीट रिलेटेड टू फोनिक्स, ब्लेंडिंग्स, डायग्राफ्स, साइट वर्ड्स विद सेंटेंसेस, टू लेटर वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स एंड मेनी मोर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम बात कर रहे थे बैकवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग कब इंट्रोड्यूस करनी है। ये मेरी डॉटर की नोट्स है, क्लियरली आप देख सकते हैं उसको 1000 तक उसकी टीचर ने नंबर्स लिखा है फॉरवर्ड काउंटिंग में। उसके बाद उन्होंने बैकवर्ड काउंटिंग इंट्रोड्यूस की है, और इंट्रोड्यूस भी ऐसे नहीं किए कि चलो नंबर उल्टे, मतलब बैकवर्ड में उल्टे फ्लो में बोलो 50, 49। नहीं नहीं, इस तरह से बच्चे शॉक हो जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, राइट। सो एक प्रॉपर वे होता है, जिस तरह से टीचर इंट्रोड्यूस करते हैं वो मेथड मैं आपको बताती हूँ, सो दैट आप भी बच्चों को जो है इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सके, जिससे बच्चे की जो क्लैरिटी है बैकवर्ड काउंटिंग को लेके वो बहुत क्लियर हो जाए और वो बहुत आसानी से नंबर बैकवर्ड काउंटिंग में बोलना और लिखना सीखे। सो वाइल इंट्रोड्यूसिंग बैकवर्ड काउंटिंग, पहले फॉरवर्ड काउंटिंग क्या है ये बता देते हैं। 1 to 50, 1 to 100 या 500, जहां तक भी बच्चों ने नंबर सीखी है, आस्क देम टू रीड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से टिल 20 तक रीड करवाइए एंड टेल देम दिस इज फॉरवर्ड काउंटिंग। सपोज यू हैव 10 टॉयज एंड यू वॉन्ट टू काउंट देम, हाउ डू यू काउंट? 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, 4, राइट। आप काउंट इस तरह करते हो, 1, 1 के बाद 2, After 2 you have 3, 4. Now let's listen to a story. Suppose you one day you want to visit your friend's house. आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है और उसका जो घर है वो बहुत दूर है और उसके घर तक जाने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। So while climbing the stairs, count the stairs. How many stairs are there? तो आप कैसे count करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से। देन यू विल रीच योर फ्रेंड्स हाउस, शी इज सिक, यू विल विजिट हर व्हेन शी इज सिक, यू विल गो एंड मीट हर, राइट, बाय क्लाइंबिंग द स्टेयर्स एंड बाय काउंटिंग द स्टेयर्स इन फॉरवर्ड काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5। दिस वॉज डे 1। नेक्स्ट डे योर फ्रेंड इज फीलिंग वेल नाउ, हर हेल्थ इज गुड नाउ, नाउ शी वॉन्ट्स टू कम टू योर हाउस and your house is far away. To come to your house, she has to come down, right? She has to climb down, yani usko niche aana padega. And while coming down, she will again count the stairs. You have given the numbers to the stairs as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. While coming down, she will read out the stair numbers as you have given in a backward counting. 8, then she'll come down to 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hooray, now she will reach you easily after climbing down the stairs. So here this is called forward counting, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then this is called reverse counting, जहाँ पे आप 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से count करते हो, so this is called backward counting. So this is 1, 2, 3, 4 numbers you have so far learned till now are forward counting. Now let's read these numbers in backward counting. 50, 49, 48, 47 and so on. Similarly let's write them in your notes. आप 20 से start करवा सकते हैं, 30 से start करवा सकते हैं, मेरी बेटी को उसके teacher ने 50 से start करवाया था। 50, 49, 48.
लेट देम काउंट देम बाय देमसेल्फ 48, 47 इस तरह से उनको बैकवर्ड काउंट में लिखना होता है। अक्सर बच्चे यहाँ पे 42, 41 के बाद थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो यहाँ पर आते हैं, बट लेट देम थिंक, फॉरवर्ड काउंट भी करने दीजिए, बैकवर्ड काउंट भी करने दीजिए, क्लैरिटी उनको मिलेगी जब आप इस तरह से उनको इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक दो बार लिखाने के बाद देर इज नो नीड टू टीच देम अगेन, इट्स एक्चुअली इजी टॉपिक। बच्चों को, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें बैकवर्ड काउंटिंग में, सो आप 10 to 1 या 20 to 1 से स्टार्ट करिए, देन यू कैन गो फ्रॉम 50 to 1, दैट इज मोर देन इनफ। बस इस तरह से इंट्रोड्यूस करना होता है बैकवर्ड काउंटिंग टॉपिक को। ये था आज का वीडियो अबाउट बैकवर्ड काउंटिंग, कैसे इंट्रोड्यूस करना है और कब पढ़ाना है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स, हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोज़।